राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार के बयान का समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने समर्थन किया है। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने इंद्रेश कुमार के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में अहंकार और घमंड आ गया था कि अग्निवीर जैसी योजना लाकर, और कहा कि हम इसको वापस नहीं करेंगे। चुनाव में नारा दिया 400 पार, लेकिन जनता ने बीजेपी के इसी अहंकार और घमंड को कम करने का काम किया, बहुमत से दूर करने का काम किया। सपा नेता फखरुल हसन ने कहा कि आज बीजेपी दो बैसाखी पर सरकार चला रही है, और जहां आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान का सवाल है, भले ही समाजवादी पार्टी की विचारधारा आरएसएस से मेल नहीं खाती हो, लेकिन लोकतंत्रों में विचारों की ही लड़ाई है, और इंद्रेश कुमार इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी में अहंकार और घमंड आ गया था, तो वो बात बिल्कुल सही है। इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो पार्टी राम की पूजा करती थी वह अहंकारी हो गई, ऐसे में 2024 के चुनाव में वह सबसे बड़ी पार्टी बन तो गई, लेकिन जो उसे सत्ता अकेले पूर्ण बहुमत मिलनी चाहिए थी, उसे भगवान राम ने अहंकार के कारण रोक दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग राम का विरोध करते थे उनमें से किसी को भी सत्ता नहीं मिली, यहाँ तक कि सभी को मिलाकर दूसरे नंबर पर खड़ा कर दिया गया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि भगवान का न्याय बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। उन्होंने स्पष्ट रूप से सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी इंडिया गठबंधन दोनों पर निशाना साधा, हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि भक्ति करने वाली पार्टी अहंकारी हो गई, उसे 240 पर ही भगवान ने रोक दिया, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, और जिनकी राम में आस्था नहीं थी उन सबको मिलकर भगवान ने 234 पर रोक दिया। कुमार जयपुर के पास कानोटा में रामरथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे।